नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं पनियाल स्टडी तो जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस करा था एग्ज़ाम क्लर्क का जीके सेक्शन पार्ट वन जो हुआ था 2018 में तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इसका पार्ट टू बाकी जितने भी एग्ज़ाम हम डिस्कस कर चुके हैं उनके लिए मैं अलग से प्ले बना चुका हूँ एच पी एस एस सी टू थाउजेंड तो आप वहाँ पर जाके चेक कर सकते हो तो अगर आपने अभी तक कोई भी वीडियो नहीं देखी है तो चलिए देखते हैं आज हमारे पास क्या क्वेश्चन है तो फर्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है वन फोर्टी वन तक ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके थे नेक्स्ट क्वेश्चन है वन फोर्टी टू से द फर्स्ट ऑयल रिफाइनरी इन इंडिया वॉज सेटअप एट तो भारत में जो प्रथम ऑयल रिफाइनरी कहाँ पर लगाई गई थी uh, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी ये लगाई गई थी दिग में नेक्स्ट इन इंडिया द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी इज भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत क्या है करेक्ट आंसर ऑप्शन डी कोल तो सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है वो की जाती है कोयले से एज ए फ्यूल थर्मल वापस स्टेशन से नेक्स्ट द लीडिंग वीट प्रोड्यूसर स्टेट इन इंडिया इज भारत में जो गेहूं का उत्पादन करने वाला सबसे सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है करेक्ट आंसर ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश नेक्स्ट, अ फ्लोटिंग बॉडी ऑलवेज डिस्प्लेस लिक्विड वाटर इक्वल टू इट्स ओन एक तैरती का हमेशा अपने ब्लैंक के बराबर द्रव पानी विस्थापित करती है तो कितना करती है ऑप्शन uh, सी अपने वेट के बराबर जितना उसका वेट होता है उतना ही पानी वो डिस विस्थापित करती है नेक्स्ट द करेक्ट वैल्यू ऑफ सेल्सियस ऑन स्केल स्केज तो जीरो डिग्री सेल्सियस कितने कैल्विन के बराबर होता है 273.15 केल्विन। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट द ओजोन लेयर ऑब्जर्व ओजोन पर क्या ऑब्जर्व करती है अब शोषित करती है करेक्ट आंसर ऑप्शन ए अल्ट्रा वॉलेट रेज नेक्स्ट विच वन ऑफ द फ्लोइंग विच वन ऑफ द फ्लोइंग फिनोमिन इज यूज इन ऑप्टिकल फाइबर तो इनमें से कौन सा लक्षण ऑप्टिकल फाइबर में प्रयुक्त होता है करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नेक्स्ट एल्कोहलिक फर्मेंटेशन इज ब्रॉट अबाउट द एक्शन ऑफ किसकी क्रिया द्वारा एल्कोहलिक के करवाया जाता है करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड सी ओ टू नेक्स्ट विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन तो सबसे अच्छा स्रोत कौन सा इसमें से प्रोटीन का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी सोयाबीन नेक्स्ट, क्लव इज ए लॉन्ग क्या है करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी ड्राई फ्लावर बड तो ये क्या है शुष्क पुष्प कली नेक्स्ट uh, आपके पास क्वेश्चन क्या है विच ऑफ फ्लोइंग इज नॉट ए ट्रू फिश तो इनमें तो से कौन सी वास्तविक मछली नहीं है फ्लाइंग फिश कराई फिश कटल फिश सिल्वर फिश तो ऑप्शन डी सिल्वर फिश इसका करेक्ट आंसर है तो ये आपके पास मछली नहीं है ये इंसेक्ट होती है और ये रही इमेज सिल्वर फिश की आपने इसे घर में देखा होगा ठीक है घर में आपको काफी मिलेगी ये सिल्वर फिश तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इफ किंग इज कॉल्ड सब्जेक्ट सब्जेक्ट इज कॉल्ड बर्गर बेगर बैगर इज कॉल्ड मिनिस्टर मिनिस्टर इज कॉल्ड डफर डफर इज कॉल्ड एस्ट्रोलॉजर देन टेल हु डज द जॉब ऑफ बैगिंग तो इस तरह से एक दूसरे को एक दूसरे से जोड़ा गया है तो आपको बताना है कि कौन भीख मांगने का काम करता है तो इसका जो आपके पास करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी मिनिस्टर ठीक है क्योंकि बैगर कॉम ने क्या बोला है मिनिस्टर बोला है तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा नेक्स्ट एज फेस इज रिलेटेड टू एक्सप्रेशन इन द सेम वे हैंड इज रिलेटेड टू विच तो जिस तरह आपका जो चेहरा संबंधित है वो है एक्सप्रेशन से संबंधित है उस तरह हाथ किस चीज़ से संबंधित है करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी ऑप्शन सी क्या है नाज नकरे से तो ये इसका करेक्ट आंसर है या और इसे हम क्या कह सकते हैं गैश्चर हाव भाव ठीक है तो जिस तरह से आपका चेहरा संबंधित है आपके, आपके एक्सप्रेशन से उस तरह आपका हैंड जो हाथ है वो संबंधित है हाव भाव से गैस्चर से ठीक है नेक्स्ट आ, करेक्ट आ, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन के वन फिफ्टी फाइव इन इंडिया आ, ये आपके पास क्वेश्चन है करंट अफेयर का तो इनको मैं स्किप कर रहा हूँ यहाँ पे नेक्स्ट आपके uh, पास क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट है 160 से तो फर्स्ट क्या है इन 1951 एचपी बिकेम ए 1951 में हिमाचल प्रदेश बना करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए पार्ट सी स्टेट नेक्स्ट हिमाचल प्रदेश हैज हाउ मेनी विधानसभा सीट्स विधानसभा की कितनी सीट्स है हिमाचल प्रदेश से तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी 68 विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर रिवर डज नॉट मूव अक्रॉस हिमाचल प्रदेश तो इनमें से कौन सी नदी है जो हिमाचल प्रदेश से नहीं बहती है तो झेलम इसका करेक्ट आंसर है नेक्स्ट मनसा देवी टेम्पल नियर चंडीगढ़ वॉज इन द टेरिटरी ऑफ ईस्ट प्रिंसली स्टेट ऑफ तो चंडीगढ़ में जब चंडीगढ़ के जो समीप मनसा देवी का मंदिर है वो कौन से पूर्वी पूर्व राज्य राज्य की सीमा में था तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन डी सिरमौर नेक्स्ट कोटखाई वॉज इन द पंजाब स्टेट इन द ईयर तो किस वर्ष कोटखाई पंजाब का हिस्सा था करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी उन्नीस में 1959 नेक्स्ट टगर वॉज अवॉर्डेड द नोबल प्राइज ब्लैंक लिटरेचर तो यहाँ पे आपके पास प्रपोजिशन क्या होगी फॉर लिटरेचर नेक्स्ट एंटीनम ऑफ द वर्ड रेफरेंस तो उसका करेक्ट आंसर आपके पास होगा ऑप्शन बी डिस्टीन तो यहाँ पे आपके पास रेफरेंस का मीनिंग क्या होता है किसी के लिए फेथ श्रद्धा आदरभाव होना ठीक है डिस्टेन क्या हो उसका उल्टा अपोजिट घृणा करना फैलना करना किसी के तो ये एक दूसरे के एंटोनिम है नेक्स्ट आ, मीनिंग ऑफ द अ ग्रास विडो इज इस, तो इसका मीनिंग क्या है ऑप्शन सी अ वमेन हुज हस्बैंड इज टेम्प्ररी अवे फ्रॉम हर ग्रास विडो का मतलब क्या है एक ऐसी औरत जिसका जो पति है टेम्परे तौर पे उसे दूर है नेक्स्ट आकाश का परिभाची क्या है इन में से करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी नेक्स्ट ठिकाना का प्रत्यय क्या है करेक्ट आंसर ऑप्शन बी आना शुद्ध शब्द इनमें से कौन सा है प्रकृति तो ऑप्शन ए प्रकृति इसका करेक्ट आंसर है कुछ तरह से प्रकृति को लिखा जाता है तो आज के लिए इस वीडियो में फिलहाल इतना ही सो थैंक यू सो मच